नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंडटेक में। दोस्तों, हमारी जो बाइक होती है या फिर मोटरसाइकिल होती है उसकी क्लच पैड अगर ख़राब हुई तो हमारी बाइक में बहुत से ज़्यादा पिकअप का और माइलेज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये क्लच पैड चेंज करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारी क्लच पैड क्या वाकई में ख़राब है या फिर सही है, या फिर पिकअप जाने का और माइलेज जाने का कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ये क्लच पैड सही से चेक नहीं किया और ऐसे ही बदल दी तो प्रॉब्लम बहुत सी बार जाता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो क्लच पैड का होता ही नहीं। तो ये जो क्लच पैड है हमारी बाइक की वो कैसे चेक कर की जाती है ये इस वीडियो में हम देखने वाले। तो क्लच पैड ख़राब होने का पहला जो सिम्टम है, तो सब जो बाइक्स है या फिर मोटरसाइकिल है उसमें ये क्लच की केबल टाइट और लूज़ करने का एक सेटिंग रहता है, या फिर क्लच का क्लीयरेंस सेट करने का ये सेटिंग रहता है। तो ये सेटिंग पूरा ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरी लूज़ होती है टाइमिंग चेन लूज सेटिंग पे, मतलब इस तरह होती है। ये जो होता है ये टाइटनेस का होता है, टाइट कर दी जाए और भी तो ये बाहर आएगी, पूरी अंदर की ओर होती है इस तरफ, और ये एक सिम्टम होता है। तो ये होने के बावजूद भी हमारा जो क्लच का लीवर है इसमें ज़रा भी प्ले नहीं होता। अभी तो आपने देखा कि ये क्लच केबल का जो सेटिंग है पूरा ज़ीरो पे है, मतलब ये इसमें क्लीयरेंस होना चाहिए, लूज़ होनी चाहिए केबल, लेकिन लूज़ नहीं है। देखो, ये जो क्लच प्लेट का जो प्ले होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 mm से लेके 3 mm तक प्ले होना चाहिए प्री प्ले, तो इसमें ज़रा भी प्री प्ले नहीं, पूरा टाइट है क्लच का लीवर। और अभी जो स्टेप दिखाने वाला हूँ इससे आपको एकदम फाइनल पता चलेगा कि आपकी क्लच पैड सही है या खराब हुई है। सब्सक्राइब करें मास्टर माइंडटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी ये जो स्टेप है ये फाइनल स्टेप है, इसमें पूरा का पूरा मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्लच खराब है या अच्छा है। ठीक है, तो आपकी कोई भी बाइक हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, गियर वाली और क्लच वाली, उसमें सेम ही प्रोसीजर रहेगा। ऐसा नहीं कि बजट के पल्सर में ही लगेगा, ये जितनी भी बाइक्स है जैसे कि हीरो होंडा की है, यामा की है और भी कितनी भी कंपनी की है, उसमें सेम ही प्रोसीजर रहेगी। ठीक है, तो अभी गाड़ी चालू करनी है, ठीक है, और गाड़ी थर्ड गियर में डालनी है, ये सेकेंड और ये थर्ड, थर्ड गियर में डाल के आपको थोड़ी सी रेस करनी है गाड़ी, ब्रेक दबानी है दोनों पीछे का और आगे का, रेस करनी है और क्लच छोड़ना है। ये देखो, क्लच छोड़ दिया मैंने फिर भी गाड़ी चालू है, ये देखो क्लच तो पूरा छोड़ दिया है, गाड़ी बंद पड़नी चाहिए थी लेकिन गाड़ी बंद नहीं पड़ी, ये देखो रेस भी हो रही है, जैसे मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा तो बंद पड़ी। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, तो ये जो तीसरी स्टेप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरी स्टेप में क्या होता है, क्लच का काम क्या होता है असल में, जो आप क्लच छोड़ देते हो तो इंजन की पूरी पावर, मतलब 100% इंजन की पावर आपके पहियों तक या फिर टायर्स तक पहुंचाना होता है। जब क्लच पैड ख़राब हो जाती है तो पूरी की पूरी जो इंजन की पावर है वो हमारे टायर तक पहुंच नहीं पाती, और इंजन चलता रहता है, आपके टायर अगर ज़ीरो के स्पीड में है या फिर ब्रेक दबाया है तो भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी न्यू क्लच पैड है, अच्छी क्लच पैड है, तो आपकी गाड़ी तीसरे चौथे पांचवे जितने भी गियर्स है उसमें बंद पड़नी चाहिए, तीसरे गियर पर ही चेक करना होता है, तीसरे गियर पर प्रॉपरली चेक हो जाता है। तो इस तरह हम हमारी जो बाइक की क्लच पैड है ये खुद ही एकदम ईजी से स्टेप में चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।